498A का मुकदमा क्या है? कोई डर कोई घबराने की जरूरत नहीं है 498 के मुकदमे से। अगर आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो 498 आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जनरली 498 बात करता है क्रुएल्टी की, हरासमेंट की और अनलॉफुल डिमांड्स की, यानी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना की, हरासमेंट की और पैसे की मांग को लेकर पत्नी के साथ की गई मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना की। जनरली जो 498A का मुकदमा है, 498 की धारा है, वो पत्नियों की, महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था, लेकिन क्योंकि समाज ने इसको एक इतना बड़ा डर, एक इतना बड़ा हवा बना दिया है कि आज के समय में ये बात साफ साफ कई बार सुनने को मिलती है कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो गया और पत्नी ने गलती से भी पति के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थाने में, तो 498A का मुकदमा बन जाएगा और पुलिस और कोर्ट की गाज पति पर गिर पड़ेगी। लेकिन इस सोच को बदलने की जरूरत है। 498 के मुकदमे का मतलब ये नहीं है कि हर मामले में पति पर दोष साबित हो ही जाएगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पत्नियां या महिलाएं किसी भी बहकावे में आकर या किसी भी गलत सोच में आकर पति पर झूठा मुकदमे भी 498 के बना देती हैं, गलत सलत आरोप पतियों पे लगा देती हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि पतियों ने बहुत सी प्रताड़नाएं महिलाओं पर की भी होती हैं, और अगर ऐसी महिलाएं जो प्रताड़ित हो रखी हैं, अगर वो किसी तरीके का 498 मुकदमा बना देती हैं, तो वो तो पूरी तरीके से वैलिड है। लेकिन झूठे मुकदमों से कैसे बचना है, कैसे निपटना है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब 498A के मुकदमे में होता क्या है? पत्नी पति पर बहुत सारे तरीके के आरोप लगाती है। पति के रिश्तेदारों को, उसके भाई बहन, माता पिता, वो बहनें जिनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, कहीं और दूसरे परिवार में रहती हैं, उसके अलावा अन्य रिश्तेदार सभी के नाम उन आरोपों से जोड़ दिए जाते हैं, और पुलिस में जब कंप्लेंट जाती है तो पुलिस एक FIR दर्ज कर देती है, उन सभी नामों को आरोपियों की कगार में पिरो देती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग इस मामले को बैठ के बातचीत के जरिए निपटाने की क्षमता रखते होते हैं, वो खुद ही आरोपी बन जाते हैं, चाहे वो आरोप झूठे हो या सच्चे हो, वो खुद ही आरोपी बन जाते हैं, और उन आरोपों के चलते दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत करने की एक संभावना होती है, बातचीत के जरिए मामले को निपटाने की संभावना होती है, वो संभावना वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति जो मामले को निपटा सकते थे बातचीत के जरिए, वो तो खुद आरोपी की कगार में लग चुके होते हैं। अब 498 की जब FIR दर्ज होती है, तो 498 के साथ और भी बहुत सारी धाराएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि 406 हो गई, कि पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि पति ने पत्नी के सारे वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी अपने कब्जे में कर रखे हैं। इसके अलावा 323 भी देखने को मिलती है, कि छोटी मोटी मारपीट भी पति पत्नी के बीच में हुई। इसके अलावा 406 और 323 के अलावा सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की दहेज की मांग को लेकर आरोप लगा दिए जाते हैं, और इसके अलावा बहुत सी धाराएं देखने को मिलती हैं, 506 हो गई, जान से मारने की धमकी हो गई, इस तरीके के आरोप देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सभी आरोपों से पति को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही उन आरोपों के बेस पर पुलिस FIR दर्ज कर देती है बिना शिनाख्त किए, लेकिन एक बार जब FIR दर्ज हो जाती है, तो कोर्ट में चलान यानी उस FIR पर चार्जशीट फाइल करने से पहले पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही कोर्ट में चलान दाखिल किया जाता है। अब 498 की अगर FIR हो जाती है, तो पति जाता है बहुत ज्यादा घबरा। अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, करना क्या है, एक तो पति संयम से काम ले, यहां वहां भागे नहीं, छुपे नहीं। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर कोई 498 की FIR दर्ज होती है, तो सबसे पहले माँ बाप पति को बेदखल कर देते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, या पति यहां वहां छुपता रहता है, कैसे भी FIR के जरिए बचने की कोशिश करता है कि कुछ समय के बाद मामला अपने आप शांत हो जाएगा। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता। अगर एक बार FIR दर्ज हो गई, तो आप उससे कितना भी भागते रहें, छुपते रहें, समय के साथ वो मामला कभी खत्म नहीं होगा, वो मामला वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। उल्टा यहां वहां भागने से आपको उसमें ज्यादा दिक्कत आ सकती है, इसलिए भागे नहीं। 498 की अगर FIR हो जाती है, तो उसका सामना करें। सबसे पहले 498 में आप बेल ले लें, अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर लें। अब उसके बाद क्या करना है कि 498 में अगर आपके खिलाफ कुछ आरोप लगे भी हैं, अगर आपके खिलाफ मारपीट के आरोप लगे हैं, दहेज की मांग के आरोप लगे हैं, किसी भी तरीके की प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, चाहे आपके खिलाफ चाहे आपके परिवार वालों के खिलाफ, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आरोप हैं, यानी आपके खिलाफ इल्जाम लगाए गए हैं, वो अभी साबित नहीं हुए, ना ही आपका दोष साबित हुआ है। और अगर आरोप कोई लग जाते हैं, तो उन आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी
पूरी तरीके से पत्नी पक्ष पर ही होती है जिसने वो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, तो आप उन आरोपों से घबराएं नहीं, उनका कोर्ट में सामना करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो इस बात को सामने ला सकते हैं कि आपकी पत्नी ने जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए हैं वो झूठे हैं, उनको संभाल के रखें, उनका संरक्षण करके रखें। सबूत किसी भी तरीके से हो सकते हैं, किसी लेटर के फॉर्म में हो सकते हैं, व्हाट्सएप चैट्स हो सकती हैं, कोई फेसबुक चैट्स हो सकती हैं, या फिर कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह आपके घर में इस तरह के लगे हुए हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग्स हो सकती है, फोन रिकॉर्डिंग्स हो सकती है। इन सभी चीजों को आप संभाल के रखें, क्योंकि जब मुकदमा 498 का चलता है तो पत्नी के साथ साथ पति को भी पूरा मौका दिया जाता है कि वो सबूतों के बिना पर अपनी बात को कोर्ट में रख सके। तो आरोपों से घबराएं नहीं, अगर आरोप लगे हैं तो उन्हें पत्नी ही साबित करेगी, और अगर आपने कुछ किया नहीं है तो पत्नी कभी भी उन आरोपों को साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने जो काम किया ही नहीं है उसके सबूत पत्नी के हाथ कभी लगेंगे ही नहीं। जनरली देखा यही जाता है कि 498 की एफआईआर के अंदर बहुत से झूठे आरोप लगाए जाते हैं, कई बार ऐसे आरोप भी लगा दिए जाते हैं कि पति का किसी और के साथ अफेयर है, या पति को कहीं और देखा गया, या फिर पति जो है बार बार पैसे की मांग करता है, या घर नहीं आता है, या शराब पी के मारपीट करता है। इन सभी आरोपों को पत्नी को ही साबित करना है, तो आप घबराएं नहीं, सिर्फ कोर्ट में अपने केस को सही तरीके से रखें, प्रस्तुत करें, बाकी काम पत्नी करेगी और पत्नी का प्रोसिक्यूशन करेगा कि कैसे उस केस को पत्नी ने कोर्ट में साबित करना है। अब देखिए, जितना अधिकार पत्नी का होता है आपके खिलाफ आरोप लगाकर आपके खिलाफ शिकायत करने का, उतना ही अधिकार पति का भी होता है पत्नी के खिलाफ शिकायत करने का। अगर पत्नी ने आपको किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया है तो आप इस बात की शिकायत थाने में जरूर दें कि आपको एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। इसके अलावा अगर पत्नी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करती है, या आपको भी जान से मारने की कोई धमकियां मिली हैं, या किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग की जा रही है आपके साथ, तो इन सब बातों की शिकायत आप थाने में जरूर करें। भले ही उस पर कोई कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन थाने में शिकायत करके आप उसकी रिसीविंग जरूर लेकर रखें, क्योंकि जब 498 का मुकदमा चलेगा और आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, उस समय आप उस कंप्लेंट को कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि हमने तो पहले ही झूठे मुकदमा फंसाने के चलते ये कंप्लेंट थाने में कर रखी है। इस बात का फायदा आपको 498 के केस में जरूर मिलेगा, कोर्ट आपकी बात भी जरूर सुनेगी। अब दूसरी चीज ये भी है कि जब आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह आप कोर्ट में अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, तो ये सारी बातें आप अपने वकील के सामने रखें, और आपका वकील ही आपके सबूतों को और गवाहों को कोर्ट के सामने पेश करेगा। तो ये बात बहुत जरूरी है कि जब भी कोई 498 का मुकदमा आपके खिलाफ अगर दर्ज हो जाता है तो उसमें एक अच्छे वकील की नियुक्ति जरूर करें, जो आपकी बात को सही तरीके से कोर्ट तक पहुंचा सके। अब बात कर लेते हैं कि अगर 498 की एफआईआर में हस्बैंड के अलावा हस्बैंड के पेरेंट्स पर, उसके भाई बहन पर, अन्य रिलेटिव्स पर, या उन बहनों पर जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है और वो कहीं और रहती हैं, उनका नाम भी एफआईआर में लिखवा दिया गया 498 की, तो वो क्या करें? उनके पास दो रास्ते होते हैं। एक होता है डिस्चार्ज, कि कोर्ट में चार्ज के समय पर रिक्वेस्ट कोर्ट से की जाती है कि उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए, उनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है। या फिर पेरेंट्स या रिलेटिव्स हाई कोर्ट में भी क्वेश्चन के लिए एक पिटीशन को फाइल कर सकते हैं कि उनके खिलाफ जितने भी नाम एफआईआर में दिए गए हैं उनको उस एफआईआर से हटा दिया जाए। जनरली होता क्या है, कब ऐसी सिचुएशन को डिस्चार्ज के लिए, क्वेश्चन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या सिचुएशन होती है? जनरली 498 की एफआईआर में यह देखा जाता है कि सभी रिलेटिव्स के नाम तो लिखवा दिए जाते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई आरोप लगाए ही नहीं होते एफआईआर में, या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सब पे एक जैसे ही आरोप लगा दिए जाते हैं, कि सब एक साथ ही मिलकर पैसे की मांग करते थे, सब एक साथ मिलकर दहेज की मांग करते थे, सब एक साथ मिलकर पैसे की मांग या दहेज को लेकर मारपीट करते थे, या सब एक साथ मिलकर पत्नी की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना करते थे। अब अगर सब पर एक ही समय में जनरल एलिगेशंस, कॉमन एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स और रिलेटिव्स क्वेश्चन की भी मांग कर सकते हैं हाई कोर्ट से, या फिर ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज की भी मांग कर सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में जो केस मुकदमा कोर्ट में चलता है वो चलता है सबके स्पेसिफिक रोल पर, कि किस मुलजिम ने क्या किया और उसके खिलाफ क्या स्पेसिफिक आरोप लगे। लेकिन अगर सबके खिलाफ जनरल आरोप लगाए गए हैं तो इस ग्राउंड पर पेरेंट्स या रिलेटिव ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज की मांग भी रख सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए भी पिटीशन को फाइल कर सकते हैं।
अब इससे जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो है गीता मेहरोत्रा एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स, जिसमें यही बात बताई गई है कि अगर पेरेंट्स और रिलेटिव्स के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, जनरल एलिगेशंस लगी हैं, तो उनका नाम या फिर किसी का नाम एफआईआर में दे दिया गया लेकिन उसके खिलाफ कोई एलिगेशन ही नहीं है एफआईआर में, प्राइमा फेसाई एफआईआर के हिसाब से कोई केस ही मेड आउट नहीं होता, तो उनका नाम 498A की एफआईआर से निकाल दिया जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, गीता मेहरोत्रा एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप इस जजमेंट को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि अगर 498A की एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उससे भागना नहीं है, कोर्ट में सामना करना है उस एफआईआर का, क्योंकि अगर आप उस एफआईआर से भागेंगे, यहां वहां छुपते फिर फिरेंगे, तो कैसे भी कोर्ट आपको उस मुकदमे में ढूंढ निकालेगी, और अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अगर कोई 498 की एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पहले उसमें बेल ले लें और कोर्ट में उस मुकदमे को अच्छे से लड़ें, क्योंकि जितने भी आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं उनको साबित करने की जिम्मेदारी आपकी पत्नी की ही है, ना कि आपको कोई बचाव करने की जरूरत। जब तक वो पत्नी अपने सभी आरोपों को साबित नहीं कर देगी तब तक आप दोष मुक्त ही रहेंगे, और अगर पत्नी उन आरोपों को साबित ही नहीं कर पाई तो उस मुकदमे में आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इसलिए जब भी 498 की एफआईआर हो जाए तो एक अच्छा वकील जरूर नियुक्त करें, अपने सभी सबूतों को अपने वकील के जरिए कोर्ट के सामने रखें सही तरीके से, और 498 के मुकदमे से बिल्कुल भी घबराएं नहीं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे और अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।